और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया है आज का, आया है वी बराबर आई आर, ये आप लोग जानते होंगे फार्मूला वी बराबर आई आर। तो इस पर क्वेश्चन आया है, वी का वैल्यू दे दिया गया है 18 और यहाँ पर रेसिस्टेंस दे दिया गया है 6 ओम। तो यहाँ पर आई का वैल्यू निकालना है, तो ये 18/6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 एम्पेयर करेंट का वैल्यू हो गया, आंसर हो जाएगा 3 एम्पेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि 56th एलिमेंट कौन सा है, 56th एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोरियम जो है ये 56th एलिमेंट है। देखिए इसमें हम थोड़ा सा रीजनिंग का भी क्वेश्चन एक दो ले लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है 34, 45, 57 और 70 है, उसके बाद क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये 11 बढ़ रहा है, यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है 12 बढ़ रहा है, +11 +12, यहाँ से +13 हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा +14। तो 17 + 14 कितना हो जाएगा, 84 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 1982 में कौन सा दिन था। तो ये कौन सा दिन है, 29 अगस्त 1982 को संडे पड़ता है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है माउंटेन क्लाउड, तीसरा क्वेश्चन है चेयर, और यहाँ पर देखिए इसको हिंदी में पहाड़, ठीक है, पहाड़, बादल और कुर्सी, ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए माउंटेन क्लाउड में कोई, दोनों में कोई, तीनों में कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं है, तो ऐसा जो फिगर होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माउंटेन क्लाउड और चेयर तीनों अलग अलग हैं, तो इस टाइप का सिलोलिज्म टाइप का जैसे होता है उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके संप्रतित्व में आयोजित किया गया था, ये WC बनर्जी इसका आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डायमंड का क्रांतिक कोण पूछा गया है, क्या पूछा गया है, डायमंड का पूछा गया है क्रांतिक कोण, इसको आप लोग देख लीजिए, डायमंड का क्रांतिक कोण पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा 24.2। और वहीं अगर डायमंड का रिफ्लेक्ट पूछा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दूसरे शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2.4 इसका आंसर हो जाएगा। मगर अभी जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन है क्रांतिक कोण के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 24.2, मतलब कि 24.2। नेक्स्ट देख लीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब गैस, मतलब कि देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो इसमें कौन सा गैस भरा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, आर्गन जो है ये गैस इसमें फिल किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आया है मिरर इमेज क्या होता है। मिरर इमेज किसी भी चीज़ का डायरेक्ट, जैसे कि आप देख लीजिए, आप मान के चलिए आप लिख दिए क्या n, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा, देखिए इसका मिरर इमेज यदि आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा, ये गलत हो रहा है, उल्टा करना है ना, ये हो जाएगा, इसका मिरर इमेज देखिए बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये होगा मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ये होगा। ठीक है, और अगर वाटर इमेज पूछा जाए, इसका वाटर इमेज, एन का वाटर इमेज, तो ये कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, वाटर इमेज डायरेक्ट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो देखिए दोनों में फ़र्क है, बस ये मिरर इमेज जो होता है ये डायरेक्ट पलटता है और वाटर इमेज
नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर इमेज मिरर इमेज तो हो गया। क्वेश्चन है वायरस अफेक्ट विच बैक्टीरिया, वायरस विच अफेक्ट बैक्टीरिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज। इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 18th ग्रुप एलिमेंट, 18th ग्रुप में टोटल एलिमेंट कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158:196 दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है 235:2 कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। इसको ऐड कीजिए, 1 + 5 + 8 कितना हो जाएगा, 14 के बराबर है, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196। तो उसी तरह 2, 3 + 5 को जोड़ते हैं, तो 2, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 2, 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। ये कितना हो गया आपको, 100 हो गया। उसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओम्स लॉ से, क्वेश्चन पूछा गया एक, तो ओम्स लॉ आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कूलम, यहाँ पर कूलम का एसआई यूनिट पूछा गया है, तो कूलम का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज होता है, ये सबको पता है, तो चार्ज इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है संयोजी उत्तक, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू, तो सबको पता है अगर ब्लड होगा ऑप्शन में तो ब्लड, अगर ब्लड ऑप्शन में नहीं होगा तो बोन भी मान सकते हैं आप लोग, क्या होगा, बोन भी हो सकता है, ब्लड या बोन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 रुपया के करेंसी नोट पर हस्ताक्षर होता है, तो भारत सरकार के वित्त सचिव का, और जो प्रेजेंट अभी में वित्त सचिव हैं वो कौन है, ये है हसमुख आदिया, और उसके पहले कौन थे, अशोक लवासा। एक और क्वेश्चन पूछा गया एंग्लो इंडियन के अधिकतम संख्या बताएं जो लोकसभा के लिए मनोनीत की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो एंग्लो इंडियन के लिए 2 मनोनीत किया जाता है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।